हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल वंदना स्टिचिंग एंड क्रिएटिविटी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उषा जिनोमी स्टिच मशीन में हम फुट को कैसे चेंज करते हैं, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसमें फुट को चेंज करना बहुत ही आसान होता है। आप एक बार हमारे वीडियो को देखेंगे तो आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बस आपको वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने ले लिया है फुट जो कि इसी मशीन का है। तो ये इसी मशीन के साथ में ही मिला हुआ था, ये इसके साथ ही मिलता है। चलिए हम इसको लगाना आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें इसका यूज़ क्या होता है। तो ये जो हमारा है ये नॉर्मल सिलाई के लिए होता है, ये फुट हमारा नॉर्मल सिलाई के लिए होता है। और उसके बाद ये जो फुट दिया होता है, ये फुट दिया होता है जो वो हमें पिको करने के लिए दिया रहता है। ये फुट हम बटन होल के लिए यूज़ करते हैं, जो हम बटन का होल बनाते हैं ना, जिसको काच बोलते हैं, उसके लिए इस फुट का यूज़ किया जाता है। तो चलिए बताते हैं इसको हम इसमें कैसे लगाते हैं। देखिए, इसको हमें यहाँ पे इस तरह से रख लेना है और उसके बाद यहाँ पे हमारा प्रेशर फुट होता है, इसको हम नीचे रखेंगे। और ये देखिए, आराम से ही हमारा सेट हो गया। अभी हम प्रेशर फुट उठाएंगे तो देखिए उसके साथ में ये अटैच हो चुका है। और इसको निकालना भी बहुत आसान है, तो हम आपको इसको निकाल के भी दिखा देते हैं। उसके लिए हम आपको बैक साइड दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ से हम इसको उठाएंगे और उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा, इसको हम थोड़ा सा पुश करेंगे। हम पास से आपको दिखा दे रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा पुश करेंगे, ये देखो। और ये आसानी से हमारा ये फुट निकल के बाहर आ गया। तो दूसरा भी फुट हम आपको लगा के दिखाते हैं। तो देखिए, इसी तरह से जो हमारा बटन होल का दिया रहता है फुट, उसको भी हम इसी तरह से ज्वाइंट करते हैं इसमें। और इसमें हमें यहाँ जो लाइन खींचा हुआ दिख रहा है रेड कलर के और डॉट्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें बटन होल का साइज के हिसाब से इसको सेट करना रहता है। जितना बड़ा आपको बटन होल बनाना है उसके हिसाब से हम यहाँ पे रखते हैं छोटा बड़ा। यहाँ बड़ा चाहिए तो हमें यहाँ पे लेना रहता है, छोटा लेना रहेगा तो यहाँ मीडियम, यहाँ मतलब उस होल के हिसाब से आपको ये सेट करना रहता है। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और ये देखिए, एक बार आपको हम इस तरफ से दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, आपको हम थोड़ा पास से दिखा दे रहे हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए, जो बीच में हमारा दिया रहता है इस तरह का सिल्वर कलर का आपको दिख रहा है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। ये जो हमारा फुट दिया है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये अंदर की साइड में गया हुआ है। देखिए ये देखिए, इसके ही बीच में ये हमारा स्टील वाला जो पार्ट है, ये सिल्वर वाला, इसमें ही आना चाहिए। इसके बराबर हम रखेंगे और उसके बाद देखिए, जो हमारा दिया रहता है प्रेशर कुकर को ऊपर और नीचे उठाने के लिए, तो इसको हम इस तरह से नीचे उतार देंगे। देखिए नीचे हो गया, अब देखिए किस तरह से सेट हो गया है। अब आप देख सकते हैं, इसको हम एक बार उठा के दिखाते हैं। देखिए किस तरह से आसानी से इसमें ये ज्वाइंट हो गया है, ये देखिए। और निकालने के लिए भी बहुत ही आसान है, बस इसको हम इसे पुश करेंगे और ये निकल गया। और आप यहाँ पे दूसरा प्रेशर फुट लगा सकते हैं। तो इसी तरह से ये जो तीसरा वाला दिया है पीको के लिए, उसको भी हम यहाँ पे रखेंगे और इसको हम नीचे रखेंगे। अब देखिए, अब कितने आराम से ये ज्वाइंट हो चुका है और यहाँ से हम इसको पुश करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए कितना आसान है इसमें प्रेशर फुट को चेंज करना।
तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। और हाँ, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इस मिशन से रिलेटेड और भी कुछ नॉलेज आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।